सातवां अध्याय। इस अध्याय में केशव प्रकृति और आत्मा के बारे में बताते हैं। ईश्वर की दो प्रकृतियां हैं, निम्न और उच्चतर। मनुष्य के प्राकृतिक गुण ही उसे भ्रम में डाले रखते हैं। चार प्रकार के भक्त, ईश्वर के अतिरिक्त अन्य देवताओं की उपासना और ज्ञान का उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में बताते हैं अध्याय। श्री भगवान कहते हैं, पार्थ अब यह सुन कि योग का अभ्यास करता हुआ अपने चित्त को मुझ में लगाकर और मुझी को अपना आश्रय मानकर पूरी तरह बिना संदेह तू मुझे कैसे जान पाएगा। यह सारा तत्व ज्ञान मैं तुझे विज्ञान सहित अच्छी तरह बताऊंगा, जिसे जान लेने के बाद जानने को और कुछ बाकी नहीं बचेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही इस योग की सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और जो लोग प्रयास करते हैं और सिद्धि पा भी लेते हैं, उनमें से भी बड़ी मुश्किल से कोई एक ही, कोई विरला ही मुझे सच्चे रूप में जान पाता है। मेरी दो प्रकृतियां हैं, एक तो है मेरी निम्न भौतिक प्रकृति जो इन आठ रूपों में बटी हुई है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि व अहंकार, और दूसरी है मेरी उच्च सूक्ष्म ईश्वरीय प्रकृति जो है जीव रूप आत्मा, जिससे ये सारा संसार धारण किया जाता है। इस बात को तू अच्छी तरह समझ ले कि सभी प्राणियों का जन्म मेरी इन दोनों प्रकृतियों के मेल से, इन दोनों प्रकृतियों के जुड़ने से ही होता है। मैं ही इस सारे संसार का मूल हूं और मैं ही इसका विनाश भी हूं। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझसे उच्चतर हो, जो मुझसे ऊपर हो। ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो मुझसे बड़ा हो। मैं ही वह सूत्र हूं जिसमें यह सारा संसार पिरोया रहता है। जैसे माला के मोती धागे में पिरोए रहते हैं, वैसे ही यह सारा संसार मुझ में पिरोया हुआ है। मैं जलों में स्वाद रूप हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, सभी वेदों में मैं ओम हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ और पुरुषों में मैं पौरुष हूँ, पृथ्वी में मैं विशुद्ध सुगंध हूँ और अग्नि में मैं तेज हूँ, सभी प्राणियों का मैं जीवन हूँ और सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं का, सारे चराचर जगत का मैं सनातन बीज हूँ, बुद्धिमानों की मैं बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का मैं तेज हूँ और तपस्वियों का मैं तप हूँ, सभी प्राणियों में मैं धर्म के अनुकूल रहने वाली लालसा हूँ और बलवानों का मैं इच्छा और द्वेष से रहित बल हूँ, और जो भी संसार में भाव हैं, सात्विक, राजसिक या तामसिक, वे सभी केवल मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस बात को समझ ले कि मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझमें हैं। प्रकृति के इन तीनों भावों, इन तीनों गुणों के कारण भ्रम में पड़ा हुआ यह सारा संसार मुझ गुणों से भी परे अविनाशी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि मैं तो इन सब से कहीं ऊपर हूं और अनश्वर हूं। मेरी इस गुणमय दैवी माया को जीत पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो बुरे काम करने वाले हैं, या जो मनुष्यों में नीच हैं, या जिनकी बुद्धि संशय के कारण हर ली गई है, या जो आसुरी स्वभाव के हैं, ये सब मेरी शरण में नहीं आते। वे धर्मात्मा व्यक्ति जो मुझमें आस्था रखते हैं, जो मेरी उपासना और पूजा करते हैं, वे चार प्रकार के होते हैं। एक जो मुसीबत में है, जिन पर कोई विपदा आन पड़ी है। दूसरे जिज्ञासु, जो मेरे विषय में जानना चाहते हैं। तीसरे धन दौलत संतान आदि पाने के इच्छुक, जो मेरे से कुछ मांगना चाहते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, जिन्होंने सत्य को जान लिया है। इन सब में ज्ञानी सबसे अच्छा है, क्योंकि वह सत्य को जानता है, वह ब्रह्म के साथ जुड़ा रहता है और उसकी भक्ति भी पक्की होती है। ज्ञानी को तो मैं बहुत प्रिय हूँ और ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है।
वैसे तो मेरे में आस्था रखने वाले और मेरी पूजा उपासना करने वाले मेरे ये चारों प्रकार के भक्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज्ञानी को तो मैं समझता हूँ कि वह मैं ही हूँ। उसे तो मैं अपना ही अंश मानता हूँ, क्योंकि पूरी तरह अपने आप को योग में लगाकर वह केवल मुझ में स्थित हो जाता है, मेरे साथ एक हो जाता है। वह उस अवस्था को पा लेता है जो मानव जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। बहुत से जन्मों के बाद वह ज्ञानी जो यह समझ लेता है कि जो कुछ है वह वासुदेव ही है, जो कुछ है वह ईश्वर ही है, तब यह जानकर वह मुझे प्राप्त कर लेता है। ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन जिन लोगों के मन उनकी लालसाओं में फंसे हुए हैं, वे उन्हीं लालसाओं की पूर्ति के लिए अन्य देवताओं की अलग अलग तरीकों और विधि विधानों से पूजा उपासना करते हैं। जो भक्त जिस जिस भी रूप की उपासना करना चाहता है, उस रूप में मैं उसकी श्रद्धा को अचल कर देता हूं। उस श्रद्धा से ओतप्रोत, उस श्रद्धा से भरा होकर वह उसी की आराधना करना चाहता है और उसी से ही वह अपने मन चाहे फल पाता है, जबकि वास्तव में वह फल तो मैं ही देता हूं। लेकिन इन अल्प बुद्धि वाले लोगों को मिलने वाले ऐसे फल तो अस्थाई और नाशवान होते हैं। देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को पाते हैं, मेरी उपासना करने वाले मेरे भक्त अंततः आखिरकार मुझे ही प्राप्त करते हैं, वे मेरे पास ही पहुंचते हैं। जो लोग मेरे ना बदलने वाले और श्रेष्ठ रूप को नहीं जानते, वे लोग तो बुद्धिहीन होते हैं। वे मुझ अव्यक्त को देवताओं के रूप में या अन्य रूपों में व्यक्त हुआ मानते हैं। अपनी ही योग माया द्वारा छुपा होने के कारण मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता। यह मूढ़ जगत मुझ अजन्मा और अविनाशी को जान नहीं पाता। मैं सबको जानता हूं और मैं सब कुछ जानता हूं। मैं उस सब को जानता हूं जो अतीत में हो चुका है, जो वर्तमान में इस समय हो रहा है और जो भविष्य में होने वाला है, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। सभी प्राणी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख, लाभ हानि आदि के द्वंद्व उनकी दुविधाओं के वश में होने के कारण भ्रम तथा अज्ञानता में फंसे हुए हैं। लेकिन जिन लोगों के पूर्व जन्मों और इस जन्म के पुण्यों से सारे पाप नष्ट हो गए हैं, वे सब इस द्वैत इस दुविधा के भ्रम से मुक्त होकर अपने व्रतों पर स्थिर रहते हुए उन पर टिक कर मेरी उपासना करते हैं। वे लोग जो मुझ में शरण लेते हैं और जो जीवन मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते हैं, वे संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण आत्मा को और कर्म के संबंध में सब बातों को जान लेते हैं। वे लोग जो मुझे इस रूप में जानते हैं कि मैं ही वे एक हूं जो इस भौतिक जगत का, सभी देवताओं का और सभी यज्ञों का नियामक और नियंत्रक हूं, वे लोग योग में अपने चित्त को लीन करके मृत्यु के कठिन समय भी मेरा ज्ञान बनाए रखते हैं। 7वां अध्याय समाप्त। ओम शांति 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 ओम।